गया में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के लक्षणों को देखते हुए गया जिलाधिकारी तत्परता से कदम उठाते हुए आइसोलेशन वार्ड में वृद्धि किया है। गया जिला के अनुमंडल क्षेत्रों में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। वहीं गया जिलाधिकारी गांधी मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम में 50 बेड के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि जिस तरह से कोरोना के लक्षण में ग्राफ में गिरावट आई है, मुंबई, दिल्ली या तमिलनाडु हो, उसी तरह से सभी स्टेट में कोरोना के ग्राफ में कमी आई है। इसमें सभी गयावासियों से साथ देने की ज़रूरत है। घर में रहे, बाहर नहीं निकले, संक्रमण की बीमारी है, जब तक बाहर निकलेंगे एक दूसरे से संक्रमण फैलेगा, इसके लिए सभी लोग जागरूक करें। कल कोविड टेस्ट के लक्षण में कमी आई है, आगे भी उम्मीद है आने वाले दिनों में भी कमी होगी। हमारे आस पास हमारे परिवार में जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी है या कोई कोमॉर्बिडिटी हम लोग बोलते हैं, उनको ध्यान रखने का, उनको बाहर नहीं निकलने देंगे, उनको इन्फेक्शन ना हो इसको बताने का। हम लॉकडाउन के माध्यम से, ये मास्क पहनने के माध्यम से, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से एक प्रयास है कि संक्रमण की दर कम हो, लेकिन संक्रमण होगा ही जब तक लोग बाहर रहेंगे, आपस में मिलेंगे ही। हम लोग चाहेंगे कि सभी गयावासी इसमें सहयोग करें और हम लोग संक्रमण का जो चेन है, लार संक्रमण को तोड़ सकेंगे। कल जो हम लोगों ने टेस्टिंग कराया उसमें एक थोड़ा पॉजिटिव दिखा है हम लोगों को कि संख्या जो पूर्व में जिनका उससे कम हुई है और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में धीरे धीरे कम होगी, लेकिन फिर भी ऐसी संख्या बढ़ेगी जिनको इमीडिएटली हॉस्पिटल की आवश्यकता होगी। मेरा सभी से अनुरोध होगा जितने भी लोग जिनको लक्षण हैं, वो इस तरह के सेंटर हम लोग बना रहे हैं जगह जगह पे, ये 50 बेड का कैपेसिटी है, लक्षण वाले लोगों को यहाँ पे हम लोग रखेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है, डॉक्टर्स होंगे, उसकी पदस्थापन होगा और बाकी व्यवस्थाएँ रहेंगी। इसी तरह से जिन लोगों को थोड़ा मॉडरेट या माइल्ड सिम्टम है, जिनको मतलब हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी लेकिन वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए शेरघाटी में हम लोगों ने 75 बेड की व्यवस्था की है जो कि कोविड हॉस्पिटल है, टेकारी में 44 बेड की कैपेसिटी की व्यवस्था की है और सदर अस्पताल के साथ अटैच करते हुए हम लोग करीब अनदर 60 बेड की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, और अगर कोई सीरियस होता है, उसमें कोई क्रिटिकल होता है, तो उनको हम लोग NMCH ले आके वेंटिलेटर उसकी व्यवस्था देंगे। लेकिन ये सब निर्भर करता है कि समय पर हम लोग अपने आप को टेस्ट करा सकें, अगर लक्षण है समय पर लोग आगे आएँ, सामने आएँ और समय पे लोग संबंधित फैसिलिटी तक पहुंचे। ये सब फैसिलिटी आप लोगों के लिए बनी है, लोगों के लिए बनी है, इसका यूज करें। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं उन लोगों को रहने के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। शेरघाटी, टिकारी, सदर अस्पताल, कोविड अस्पताल, NMCH में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इंडोर स्टेडियम में 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसमें सभी तरह का सुविधा मुहैया है। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, गया।